लॉकडाउन के दौरान हुई शादी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम एहतियात बरते गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। 1 मई का दिन रीवा के लिए खुशियां लेकर आया जब शुभ लग्न मुहूर्त में एक जोड़े ने लिए फेरे। चौराहटा रीवा के रहने वाले अनिल गर्ग की लड़की अपराजिता गर्ग की शादी रायपुर करचुलियान निवासी नितिन के साथ तय हुई थी। यह शादी 1 साल पहले 1 मई के लिए तय की गई थी। किसे मालूम था इस दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित बीमारी फैल जाएगी, जिसकी वजह से तमाम देश दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो जाएगी। सरकार ने सभी शादियों पर रोक लगा दी। थोड़ी सी छूट उन जगह पर दी गई जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित बीमारी नहीं फैली थी, उसमें रीवा भी एक था। इसी के चलते रीवा प्रशासन ने दोनों पक्षों से 10-10 लोगों की उपस्थिति में शादी करने की अनुमति दी, जिसके चलते ना बैंड ना बाजा ना बाराती के कॉन्सेप्ट के तहत अपराजिता और नितिन ने 1 मई मजदूर दिवस के दिन साथ फेरे लिए। बस पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समय एक बहुत ही मुसीबत की घड़ी से गुजर रहा है, जिसमें हर आम आदमी, हर पब्लिक, हर परिवार अस्त व्यस्त है। इन सब को ध्यान रखते हुए आज मैं शादी करने जा रहा हूं, जिसमें हमारी सासू माँ सीमा गर्ग जी इसको बहुत पहले से चाहती थी, जिसके कारण हम लेट होने के कारण अब यहां पे अभी इस प्रोग्राम को कार्यक्रम कर रहे हैं क्वारंटाइन में। और हमने सोशल डिस्टेंस और यहां के जितने भी नियम शासन के हैं उनको सभी को फॉलो करते हुए ये कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। हर दूल्हे का सपना होता है कि बाराती हो, जी जी, बड़े धूमधाम के साथ हो, गाजे वाजे आए, जी जी। ऐसे में आपको अब कैसा लग रहा है? थोड़ा फील तो हो रहा है, पर पहले तो देश की सुरक्षा है, अपनी सुरक्षा है, और हम भी इसी देश में रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हर नियम का पालन करते हुए और बराबर कम संख्या में शादी का कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जो है क्या है कि मेरी मम्मा चाहती रही हैं कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए सिंपल तरीके से शादी हो रही है। और पता नहीं लॉकडाउन अभी कितने दिन तक लोगों को प्रभावित करता है, जनजीवन इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया है, इसलिए जो है सिंपल तरीके से शादी करना बेहतर है। हनुमान जी महाराज के भक्त हैं और हम सब उनके चरणों में हमने डाल दिया कि कब क्या करना है। अभी हमारी श्रीमती जी की बड़ी इच्छा थी कि शादी जल्दी से जल्दी हो, शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। फिर ये जो हमारे दामाद हैं नितिन शुक्ला, इनकी भी इच्छा थी कि शादी में देरी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो सास और दामाद थे, ये दोनों की बड़ी इच्छा थी कि भाई जल्दी शादी हो जाए। और ये था कि भाई धूमधाम से की जाए, लेकिन इस समय चूँकि धूमधाम से नहीं हो सकता है, तो जो अपना ये समय चल रहा है उसको देखते हुए, देश की सुरक्षा को देखते हुए, बिल्कुल 6 लोग वो आए हैं और 7 लोग हमारी ओर से हैं। इतने ही लोग रहेंगे और इतने में शादी होगी, सोशल डिस्टेंस में होगी, और जब ये लॉकडाउन टूटेगा तो फिर धूम धड़ाके से करेंगे। और हम जो है नशा खोरी और ये DJ और इन सब आडंबरों को हम हमेशा अवॉइड किए हैं। तो ये तो भगवान ने हमारे लिए एक वरदान दिया कि हमको जो है तो ये मना नहीं करना पड़ा कि भैया हमारे दरवाजे में कोई शराब पी के ना आए, कोई नशा करके ना आए, हैं कोई ऐसा ना आए। तो भगवान ने अपने आप ऐसी व्यवस्था कर दी और इसके लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं और भगवान से कह प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये संकट देश से ख़त्म हो और जिससे कि सब लोग सुरक्षित रहें। और सब आप लोगों की शुभकामनाएँ हमारे बच्चों के ऊपर रहें। न्यूज नेटवर्क टुडे की टीम की ओर से नव दंपत्ति जोड़े को ढेर सारी बधाइयां। सोशल डिस्टेंसिंग सादे समारोह में हुई शादी रीवा के लिए यादगार बन गई। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।